ओके लेट इस स्टार्ट। ये अपना क्लास सेवेंथ मैथ एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C में फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई। इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडीड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। इसके पहले लेक्चर में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था डेसिमल, जिसमें डेसिमल नंबर में होता है। तो अभी हमको देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, जिस नंबर में डेसिमल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है स्टूडेंट 73.92 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मेथड से और शॉर्ट ट्रिक मेथड से। शॉर्ट ट्रिक मेथड में देखिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 10, 10 में कितने जीरो है? 10 है। ठीक है, तो 10 में 10 है, इट मीन्स डेसिमल इज मूव वन नंबर एट राइट प्लेस। ठीक है, राइट साइड में वन नंबर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि 10 में 10 है। देखिए यहाँ पे 10 में 739, ये डेसिमल यहाँ पे आए तो 0.23 आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। और अगर हम मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं बाय दिस, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी वही आएगा आंसर। ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। तो इसी का क्वेश्चन है फर्स्ट का 6। 0.032 मल्टीप्लाई 10। अगेन वी से 10 में कितने जीरो हैं? 10 है। तो द डेसिमल इज मूव टू राइट साइड वन प्लेस। ठीक है ना, मूव राइट साइड वन प्लेस, क्योंकि 10 में 10 है। अगर 100 से करेंगे तो 100 में 20 होगा, तो वहां पे 2 प्लेस मूव करेगा राइट साइड। तो यहाँ पे 10 में 10 है तो 1 प्लेस मूव करेगा, दैट इज 0 इज कम्स टू द दिस। ठीक है ना, 0.3। तो यहाँ पे 0.32 आंसर। सेकेंड सॉल्यूशन क्वेश्चन में फर्स्ट है 2.397 मल्टीप्लाई 100। इसको मल्टीप्लाई 100 में कितने जीरो है? 20 है। ठीक है, 100 में 20 है, इसलिए द डेसिमल मूव टू प्लेस। डेसिमल कितना मूव करेगा? 2 प्लेस, बिकॉज इन 100 देयर इज 20। 100 में 20 है तो 2 प्लेस से मूव करेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 प्लेस 2 प्लेस यहाँ पे आया 9 के बाद। तो 9 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 30 है, तो 30 है इट मीन्स मूव 3 प्लेस। ठीक है ना, डेसिमल मूव्स 3 प्लेस। 3 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 1 के बाद, 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। तो दिस इज द, दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स टू। टाइम अकॉर्डिंग कितना इससे आप टाइम अपना टू सेव द टाइम एंड यू ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय मैनुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5.4 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पे ट्रिक से नहीं होगा, ट्रिक केवल उसमें होता है जिसमें जीरो होते हैं नंबर्स में, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ मैनुअली हम सॉल्व करते हैं सीरीज ईयर। आपका हो गया मल्टीप्लाई
डेसिमल देखिए फोर के बाद, फोर के पहले है, वन नंबर के पहले है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन नंबर के पहले हम डेसिमल लगाते हैं। अगर टू नंबर के पहले डेसिमल होता तो हम टू नंबर के पहले लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए फाइंड द प्रोडक्ट। सिक्स का फर्स्ट है 13 मल्टीप्लाई 1.3 एंड मल्टीप्लाई 0.13। सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दिस 13 मल्टीप्लाई 1.3 इज 9। डेसिमल कितने नंबर के पहले? वन नंबर के पहले। वन नंबर के पहले यहाँ डेसिमल लगा कितना हो गया? 16.9। अब 16.9 हम नंबर लेंगे। क्लियर? 16.9 लेंगे नंबर एंड मल्टीप्लाई करेंगे। इसका तो हो गया है, अब इससे करेंगे, ठीक है। तो 0.13 दिख रहा है, 16.9 मल्टीप्लाई करिए 39 का 37 टू कैरी 6 3 18 एंड 20 0 50 कैरी 4 3 4 5 1 9 1 9 9 6 1 on the 1 clear 0 0 0 0 ठीक है। 7 9 6 1 2 0 Now see Yes, sir. Okay, clear. Now see. तो यहाँ मल्टीप्लाई करें आप इन दोनों नंबर का किए कितना आया 16.9। Now see 16.9 मल्टीप्लाई दिस 0.13। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 3 9 7 टू कैरी 18 and 20 को 0 2 3 4 5 एंड दिस अब इसको ऐड कर लीजिए 7 9 अब देखो स्टूडेंट्स ठीक है। यहां देखिए कितना नंबर डेसिमल कहां पे है? बिफोर वन नंबर एंड आफ्टर बिफोर टू नंबर। टोटल बिफोर मतलब इसको काउंट कर लीजिए वन नंबर टू नंबर एंड थ्री नंबर। बिफोर थ्री नंबर डेसिमल आपको लगाना है। तो बिफोर थ्री नंबर का मीन्स दिस दिस एंड दिस दैट इज हियर यहाँ पर डेसिमल लगे ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। दिख रहा है सबको? ओके ठीक है, रिप्लाई आ गया। ओके ओके नाउ सी
क्वेश्चन नंबर 7 7 में इवेल्युएट फर्स्ट है 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1.2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मींस इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और दो नंबर के बाद पॉइंट, वन नंबर एंड वन टू नंबर, वन नंबर वन नंबर टू नंबर, ये आपका आंसर होता है। एक में देखो, एक में इवेल्युएट है, इवेल्युएट करना है होल क्यूब, पॉइंट बी का होल क्यूब, ठीक है। तो होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई दिख रहा है सबको, 59 मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर के पहले, हाउ मेनी नंबर्स बिफोर डेसिमल, दैट इज 1, 2 एंड 3, 3 नंबर के बिफोर में डेसिमल है, तो हमने 3 नंबर के पहले बिफोर डेसिमल लगा दिया, ठीक है ना, 3 नंबर के पहले डेसिमल लग गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इसको एक्सरसाइज से और जो मैं बताया हूँ उससे विद द हेल्प ऑफ अपने कॉपी में सॉल्व करते रहिए, ओके।